इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल स्टेनिंग की टेक्निक को। बायोलॉजिकल स्टेनिंग की जो ये टेक्निक है, इसमें हम जब भी किसी भी टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं उसके सेल्स की स्टडी करने के लिए, तो हम उस पर डिफरेंट टाइप की डाई लगाते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल स्टेन्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट के टेम्प्रेरी माउंट बनाने में उसमें सेफ्रेनिन स्टेन का यूज़ किया था। तो आज हम तीन स्टेन्स के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्रेनिन, आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू। सेफ्रेनिन स्टेन हमारे सेल को रेडिश कलर देती है जिससे कि वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ईजिली विजिबल हो जाते हैं, और ये हमारे सेल के न्यूक्लियाई को रेड कलर का स्टेन कर देती है। दूसरा स्टेन है आयोडीन। ये मेनली हम उन सेल्स के लिए यूज़ करते हैं जो सेल स्टार्च कंटेन करते हैं, क्योंकि स्टार्च के साथ आयोडीन डार्क ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक जैसा कलर देती है। तो हम अनियन पीन वाले एक्सपेरिमेंट में आयोडीन का भी यूज़ कर सकते हैं एक स्टेन की तरह, क्योंकि अनियन पील वाले सेल्स भी प्लांट सेल्स हैं और वो स्टार्च कंटेन करते हैं, इसलिए आयोडीन का यूज़ उसमें हो सकता है। तीसरी हमारी मिथाइलिन ब्लू। ये मेनली हम एनिमल सेल्स की स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, सेल के हमारा जितने भी एसिडिक पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस, वो एक एसिडिक पार्ट है, क्योंकि डीएनए जो हमारा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। तो ये डाई क्या करती है, हमारे सेल के न्यूक्लियस को बहुत ही डार्क स्टेन कर देती है, बहुत डार्क कलर में हमें माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल होता है। अगर हम किसी भी स्पेसिमन को, किसी भी टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर बिना उसे स्टेन किए ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें डिटेल्स विजिबल नहीं होती। जैसा कि हम एग्जांपल लें सेफ्रेनिन का, अगर हम इसमें बिना आयोडीन स्टेन डाले या फिर बिना सेफ्रेनिन स्टेन डाले ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसमें डिटेल्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगी, हमें सेल के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट कलर में स्टेन हुए हुए नहीं दिखेंगे, तो हम उसे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सेल के जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये हमारी डाइस से डिफरेंटली कलर्ड होते हैं, यानी कि जब भी हम किसी भी पार्टिकुलर बायोलॉजिकल स्टेन का यूज़ करेंगे उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमारे सेल के जो अंदर के पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप की शेड्स शो करेंगे उस डाई के साथ। जैसे कि हमने अभी मिथाइलिन ब्लू के बारे में पढ़ा था, मिथाइलिन ब्लू हमारे न्यूक्लियस को, क्योंकि वो एसिडिक है, उसे डार्क ब्लू कलर स्टेन कर देती है और बाकी का पूरा सेल हमें लाइट ब्लू कलर का विजिबल होता है। तो ये जो इसका नेचर है, ये सेल की डिफरेंट ऑर्गेनिल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस एसिडिक है तो उसने डार्क ब्लू कलर दिया मिथाइलिन ब्लू के साथ, ये पॉइंट भी हमें अच्छे से याद करना है। एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 5.7 में हमने अपने चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। हमने एक टूथपिक या फिर हमने एक आइसक्रीम स्पून जो काफ़ी रफ़ होता है उसकी हेल्प से हमारे माउथ के अंदर से हमारी जो बकल कैविटी है इससे हमने अपने चीक के अंदर वाली साइड को स्क्रैच किया, थोड़ा स्क्रैप किया। उससे क्या हुआ, हमारे जो चीक में सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, वो उसकी टिप पर आ गए टूथपिक की। अब हमने उसकी स्लाइड पर एक टेम्प्रेरी माउंट बनाया, उस टेम्प्रेरी माउंट में हमने जो डाई यूज़ करी वो यूज़ करी मिथाइलिन ब्लू। जब हमने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें इरेगुलर शेप के काफ़ी सारे सेल्स दिखे जो कि फ्लैट सेल्स थे, और उनके अंदर एक डार्क कलर का ओवल स्ट्रक्चर दिखा जो बहुत ही ईजिली विजिबल था क्योंकि वो बहुत ही डार्कली स्टेन हुआ था। ये हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। तो हम न्यूक्लियस ऑब्जर्व करने के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, और इसमें हम मिथाइलिन ब्लू बायोलॉजिकल स्टेन है जो उसका यूज़ करते हैं।